हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू मेरी आवाज़ 2.0। तो शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो चला है आज की कहानी का। तो कहानी इट्स अ स्टोरी अबाउट टू नेबर्स, दो पड़ोसियों की कहानी है, जिसमें एक पड़ोसी में एक मास्टर जी हैं जो कि रिटायर्ड हैं स्कूल से, और जो दूसरे हैं वो हैं मैनेजर साहब इंश्योरेंस कंपनी से। अभी दोनों को ही गार्डनिंग का बहुत शौक था, आपस में बैठ के बात भी करते थे और बराबर बराबर गार्डन था तो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, दोनों के शौक भी बराबर थे। वहीं पे ही चेस खेलना, वहीं शाम की चाय पीना, सुबह की चाय वहीं पीना, आपस में बात करना, नेता नगरी की बात करना, ये सब रोज़ का उनका काम था। फिर ये हुआ कि यार कुछ नए पौधे लगाए जाए। अब वो नए पौधे लेने के लिए दोनों एक साथ ही एक नर्सरी में गए और वहाँ से एक जैसे से ही पौधे खरीद लिए। दोनों ने लाके पौधे लगा दिए। अब वो नए पौधे लगे हैं, उनका ध्यान रखने की बात हुई तो उसमें देखा कि मास्टर जी जो हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे अपने पौधों के ऊपर, लिमिटेड पानी देना और बस कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत जो कुछ किया किया, अदरवाइज कुछ ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैनेजर साहब बहुत ज़्यादा ध्यान देने वालों में थे, वो सुबह और शाम लगातार पानी देना, उनसे खाद देना, बड़े टेक्निकली भी थे तो वो उस चीज़ को बड़ा ध्यान से, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरिंग अपने पौधों के लिए। तो समय बीतता गया, पौधे धीरे धीरे करके बड़े हो गए और सब ठीक चल रहा था कि अचानक मौसम बदला और एक दिन रात को बहुत तेज़ हवाएं चली, आंधी आई और बारिश हुई बहुत तेज़। दोनों रात भर दोनों को ढंग से नींद नहीं आई क्योंकि दोनों को डर था कि उनके पौधों के साथ में क्या हुआ होगा। अभी बाहर जाके देखने का लग नहीं रहा था बारिश और इस समय, तो ये हुआ जब बारिश रुक जाएगी तो सुबह उठ के देखते हैं फिर कैसा होगा। सुबह उठ के दोनों अपने गार्डन में आए और आके सबसे पहले यही देखा कि पौधे को क्या हुआ, हमारे जितने हमने प्लांट्स लगाए थे उनका क्या हुआ। तो क्या देखा कि जो मैनेजर साहब थे उनके सारे पौधे, एक एक पौधा, वो सब उखड़ के इधर उधर बिखरे पड़े। मैनेजर साहब को सच में बहुत दुख हुआ, इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया उनके लिए और इस तरह उखड़ गए कि आंधी में आए सब उखड़ के बाहर पड़े। वो भाग के मास्टर जी के गार्डन की तरफ दौड़े और वहाँ जाके उन्होंने मास्टर जी से बात करी, उन्होंने कहा आपके पौधे, और उन्होंने देखा पौधों की तरफ तो एक भी पौधा नहीं उखड़ा था, सब पौधे इंटैक्ट अपनी जगह मजबूती से लगे हुए थे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा मास्टर जी समझ में नहीं आई, जमीन की प्रॉब्लम है, क्या हुआ, कैसे हुआ ये, मैंने तो इतना ध्यान दिया, मैंने इतनी केयर करी, दोनों वक्त पानी सब कुछ ठीक रखा, हर खाद सब कुछ, सब जो हो सकता था वो मैंने किया और मेरे ही पौधे उखड़ गए और आपके अभी भी जमे हुए हैं, ऐसा कैसे हो पाया, आपने क्या किया था। तो मास्टर जी ने बस एक ही चीज़ कही, उन्होंने कहा बेटा जो मैंने किया वो ये कि मैंने इनको इतना पानी दिया जिससे ये सूखे नहीं, बाकी का काम मैंने इनके खुद के ऊपर छोड़ा कि ये इनकी जड़ गहरे में जाकर खुद अपने पानी को ढूंढे, और ऐसा करने पे ये खुद इन्होंने जड़ों ने अपनी मिट्टी में अपनी पकड़ बनाई, तुमने वो नहीं किया, तुमने इनको हर चीज़ ऊपर से, इनको मेहनत की आदत ही नहीं पड़ने दी, तुमने अपने पौधों को ऊपर से पानी दिया, खाद दी, तो इन्हें जमीन में जाके गहरे में ढूंढने की आदत नहीं रही, ज़रूरत नहीं रही, और जब ज़रूरत नहीं थी तो ये ऊपर ही रुके रहे और इनकी पकड़ नहीं बन पाई मिट्टी के ऊपर, जरा सी आंधी नहीं इनको उखाड़ के एक तरफ फेंक दिया, जबकि जो ये लड़के जमीन में अपना पानी खुद ढूंढ के ये जब मजबूत होके खड़े हुए तो इनको आंधी क्या कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, अभी बहुत मजबूत हैं ये इस टाइम पे। तो मेरा मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर हम देखें तो क्या हम अपने पौधों को, जो कि जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ समझ तो आप गए होंगे, हम अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों के साथ में कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे जो कि मैनेजर साहब कर रहे थे। हम उनको हर चीज़ ऊपर से प्रोवाइड करा रहे हैं, हर चीज़, उनको हर सुख सुविधा, और उनको कहीं हम क्रिपल तो नहीं कर रहे हैं, हम उनको अपाहिज तो नहीं बना रहे हैं। ज़रा सोचिए, देखिए
बच्चे को, बच्चा जब पैदा होता है आप उसे चलना सिखाते हैं, और जब आप उसे चलना सिखाते हैं तो हाथ पकड़ के धीरे धीरे करके वो चलना शुरू करता है, और हमें खुशी भी होती है जब वो पहला कदम रखता है। हम इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जिस ज़मीन पे वो पहली बार कदम रख रहा है और चल रहा है वो साफ़ सुथरी रहे और उसमें कुछ चुभे ना उसको। पर क्या सारी ज़िंदगी आप उसको हाथ पकड़ के चलाएंगे? क्या सारी ज़िंदगी आप उसको गोद में लेके चलाएंगे? चलना तो उसी को ही पड़ेगा, जैसे आप चले हैं, जैसे आपके फादर चले हैं। हर एक को अपने पैरों से अपने आप ही चलना पड़ेगा। हमारे बच्चे को भी जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा, कि वो अपने पैरों पे चलना शुरू कर दे, वो सहारा ना ले, चाहे वो आपका हो चाहे वो किसी और का, नहीं तो वो सहारा ही ढूंढेगा। आप दूसरे एग्जाम्पल ले लें, आप देखिए बच्चे स्कूल में, हम ऑब्वियसली, हम मैं खुद कहूँगा कि हमें अपने बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते भी हैं और करनी भी चाहिए। सबसे अच्छा स्कूल, अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छा खाना, पहनने के लिए बहुत अच्छा सब कुछ, हर कन्वीनियंस हम उसको देते हैं और देनी भी चाहिए ऑब्वियसली, अगर जितना हमारा सामर्थ्य है, बल्कि हम तो अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा हैं, अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं, हर माँ बाप करता है अपने बच्चे के लिए। पर क्या वो माँ बाप वहाँ एक गलती कर देते हैं कि प्यार में, लाड़ में, अगर उस बच्चे ने आज होमवर्क नहीं किया तो कल उसको डांट ना पड़ जाए, तो इसलिए आज उसका होमवर्क उसकी मम्मा ने, उसके फादर ने कर दिया उसको रात को, केवल इसलिए कि उसको सुबह डांटना पड़े। ये करते ही आपने उस बच्चे को अपाहिज बना दिया। देखिए, जो आपका काम था आपने पूरा किया, लेकिन बच्चे को यह एहसास होना चाहिए कि जो उसका काम है उसको करना पड़ेगा, वो चीज़ उसकी है, उसे ही मैनेज करनी है। अगर एक दिन डांट पड़ रही है, पनिशमेंट मिल रही है, मिलने दीजिए। एक दिन की वो डांट आगे की बहुत बड़ी गलती से बचा देगी जो वो अपाहिज होने के बाद में करता। कोशिश कीजिए कि वो खुद अपने पैरों पे, आज डांट पड़ी है कल को होमवर्क अपने आप कर लेगा। कैसे नहीं करेगा देखिएगा, खुद करता है बच्चा, जो उसको पता होगा कि कल को डांट पड़ेगी, और ये चीज़ माँ बाप, मम्मी पापा नहीं करेंगे। तो दूसरा, अगर आप और देखें, स्कूल से प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट मिलने के बाद में बच्चे ने कह दिया कि मेरे पास तो इतना सारा काम है, होमवर्क है, मैं प्रोजेक्ट भी कैसे बनाऊँ, मैं परेशान हूँ। पापा ने कहा ठीक है, चलो तुम अपना होमवर्क कर लो और तैयारी करो, और प्रोजेक्ट मैं बना देता हूँ। आपने उसका वो प्रोजेक्ट बनाया, आपने बेस्ट दिया। उसका प्रोजेक्ट हो सकता है सेलेक्ट भी हो जाए और बहुत अच्छे, उसको अप्रिसिएशन भी मिल जाए, उसको अवार्ड भी मिल जाए, पर आपने उस बच्चे से, उसकी मेहनत से पाई हुई जीत की खुशी उससे आपने छीन ली है। वो जो खुशी उसको मिलती, जो उसकी अपनी मेहनत से करने के बाद में जो जीतने पे जो उसको खुशी थी, वो आपने उसे छीन ली। जीता वो जीता जरूर है, लेकिन वो उसकी जीत नहीं है, कि उसके दिल को भी पता है, उसे पता है कि मेरे फादर ने बना के दिया था। वो खुशी, वो एहसास आपने उससे छीना है, और वो उसको आपको बाद में जाके रियलाइज़ भी होगा, और वो बच्चे को भी रियलाइज़ होगा कि यार वो मुझे खुद करने चाहिए थे काम। लेट हिम फेस द डिफिकल्टीज, लेट हिम फेस द रियल फेस ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको उसको देखने के लिए आप मजबूती से उसके पीछे खड़े रहें, आप मजबूती से उसके साथ में रहें, लेकिन सर्कमस्टेंसेस को उसको खुद झेलने दें, उसको आदत पढ़ने दें किस तरीके से मुश्किलों में, और जिन मुश्किलात आती हैं हमारे लाइफ में उनको किस तरह फेस करना है। हम उनको क्रिपल नहीं बनाएंगे, हमें उन्हें मजबूत बनाने का काम करना है। हम अपने पौधों को इतना पानी और खाद दें कि वो अपनी पकड़ ही ना कर पाए, इससे बेहतर है हम उन्हें मजबूत बनने के लिए थोड़ा सा कष्टों को भी देखने दें। दुनिया में कितनी परेशानियां हैं, लेट देम फेस द डिफिकल्टीज। मजबूती से साथ में रहेंगे तो वो उसको एक सहारा रहेगा आपका, पर आप उसके केवल सहारा ही बन के रह जाएं ऐसा ना हो। चलिए आज इतना ही, और बाकी फिर कल मिलते हैं, कल एक नई कहानी के साथ में, रेडियो मेरी आवाज़ पे। तो सुनते रहिए रेडियो मेरी आवाज़ 2.0।